नमस्कार, मैं हूं वसीम खत्री और स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आया हूं, जिसका कोई नाम नहीं है पर इसके जज्बात और ख्यालात आपको अपने से लगने लगेंगे। सामान्य जीते हुए जब अचानक किसी बहुत खूबसूरत जगह हम खुद को पाते हैं तो ऐसे वक्त मैं हमेशा सतर्क हो जाता हूँ। ठीक इस वक्त मेरे भीतर क्या हो रहा है मैं हमेशा से जानना चाहता था। मैं देखता हूं कि मैं हतप्रभ सा ताकता रहा हूं। हतप्रभ का मतलब होता है सरप्राइज्ड। मैं देखता हूं कि मैं हतप्रभ सा ताकता रहा हूं, सुन रहता हूं बहुत देर तक, फिर बहुत ताकत लगाता हूं कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर हंसी आने लगती है। हमेशा बहुत सुंदर जगह तभी क्यों बहुत अच्छी लगती है जब हम उस जगह को अपने अतीत में सोचकर याद करते हैं। तो वर्तमान क्या सिर्फ चीजें बटोरने का काम करता है? क्या हम महज अतीत को सोचकर ही सच्ची खुशी पा सकते हैं? जब मेरी उम्र कम थी और मैं बहुत यात्राएं करता था तो इस किस्म के सवाल मेरे भीतर बहुत उमड़ रहे थे। तब हर चीज का कोई मतलब तलाशने की जिद में भटक रहा होता था और बहुत सवाल होते थे, मुझे जवाब कभी नहीं मिले। अब यात्राओं की लय बदल गई है। अब हर खूबसूरत जगह पर जाकर हतप्रभ सा ताकता हूं, पर अब मैं सुन्न नहीं होता हूं। मैं उसके भीतर शांत बना रहता हूं। कुछ पाना है या इस सब का कुछ मतलब है, जैसे सवाल अब असर नहीं करते हैं। मैं खुद को ऐसी जगहों पर जाकर छोड़ देता हूं और खूबसूरत महसूस करता हूं।